हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोहन चैनल डेली कॉमोडिटी। सो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले सिल्वर के 21 सितंबर फ्यूचर्स करेंटली मार्केट में किस तरह से ट्रेड हो रही है, यहाँ पर आपको किस तरह का मोमेंटम फेस जो है यहाँ पर आपको बनते हुए देखने को मिल सकता है। सो जस्ट एज ऑन द फैक्ट हमने जिस तरह से गोल्ड गिनी के जो फ्यूचर्स है उसमें हमने बात की कि अच्छी अच्छी रिकवरी जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, बट सिल्वर के केस में आपको यहाँ पर किस तरह का मोमेंटम फेस जो यहाँ पर आपको बनते हुए देखने को मिल रहा है तो हम यहाँ पर अब वो देखेंगे। सो नियरली आप देख सकते हो कि जो कि आप देख रहे हो कि जो ट्रेंड यहाँ पर आपको फॉलो ऑन होते हुए देखने को मिल रहा है वो नियरली एक अच्छा सा यहाँ पर डाउन ट्रेंड जो है यहाँ पर आपको जरूर फॉलो ऑन होते हुए देखने को मिल रहा है। ऑल दो रिकवरी आ रही है बट इतनी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं आ रही जितना आपको यहाँ पर गोल्ड गिनी के जो फ्यूचर्स है या फिर गोल्ड के अंदर जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है उस हिसाब से। बट अगर आपको जो सपोर्ट लेवल्स होंगे यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेंगे डेट इज डाउन साइड के अंदर, तो सबसे जो पहला सपोर्ट हमको यहाँ पर देखने को मिला डेट इज एट द प्राइस ऑफ अराउंड, यहाँ पर हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं। वेट अ मिनट, हाँ हाँ, तो हमने यहाँ पर इसको हाईलाइट करें, सबसे अच्छा सपोर्ट लेवल डेट इज 62,345 का सपोर्ट लेवल है। सो मेरे हिसाब से अभी के लिए डेट इज करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से एक ऐसा रेजिस्टेंस जरूर एक्ट कर रहा है। सो मेरे हिसाब से अगर एक अच्छा सा यहाँ पर ब्रेकआउट देता है तो मेरे हिसाब से आपको जो नेक्स्ट टारगेट होगा नियरली 62,345 से डेट इज ऑलमोस्ट आपको यहाँ पर 300 पॉइंट या फिर 250 पॉइंट का यहाँ पर आपको अपसाइड मोमेंटम यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। जस्ट एज ऑन द फैक्ट आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक अच्छा सा जो पैटर्न है वो भी एक अच्छा सा फॉर्म हो रहा है, डेट इज एक अच्छा सा यहाँ पर बुलिश एज वेल एज बेरिशनेस के साथ यहाँ पर करंटली जो है मार्केट में ट्रेड जरूर हो रहा है। बट एज ऑन द फैक्ट आपको ये भी पता होना चाहिए कि अच्छा सा यहाँ पर इंडिकेशन हमें यहाँ पर बाइंग का जो था वो यहाँ पर हमें कल ही मिल गया, डेट इज लॉन्ग पोजिशन बनाएगा। और आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छी खासी डेट इज अगर आप 62,000 के ऊपर भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते तो नियरली अभी 62,270 डेट इज ऑलमोस्ट 250 पॉइंट का यहाँ पर आपको बेनिफिट देखने को मिल रहा है। बट इस तरह की सिचुएशन में अगर आपको यहाँ पर अभी नई फ्रेश एंट्री बनानी हो तो मेरे हिसाब से आपको ब्रेकआउट का वेट करना है, उसके बाद ही यहाँ पर आप अपसाइड डेट इज लॉन्ग पोजिशन के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर ये भी ब्रेक करता है तो मेरे हिसाब से और अच्छे खासे मोमेंटम यहाँ पर आपको डेट इज 62,840 के आसपास भी आपको ये जो है ट्रेड स्कैंडल्स वो आपको फॉर्म होते हुए देखने को मिल सकती है। सो होप करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी और डेट इज ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ज़्यादा मददगार रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।